नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों ओ माय गॉड से संबंधित दो न्यूज मेरे पास है। एक तो दोस्तों अभी वो फिल्म पोस्टपोन नहीं होगी, लगभग क्लियर हो गया। सैमसंग ने इसे पास कर दिया है ए सर्टिफिकेट के साथ, ये लगभग कंफर्म न्यूज है। 20 कट लगाए गए, मतलब फिल्म में विवादास्पद कंटेंट तो जरूर है, ऐसी बातें तो जरूर है जिसके कारण से फिल्म में 20 कट लगाने पड़े हैं। अब ये देखने वाली बात जरूर होगी कि इन 20 कट लगाने के बाद में फिल्म के जो मौलिक जो इसकी स्क्रिप्ट है उस पर कुछ असर पड़ता है क्या, या क्या वाकई सारे विवादास्पद सीन हटा दिए गए हैं। कुछ ऐसा अब तो इसमें नहीं बच गया है जो हिंदुओं की, जो सनातन प्रेमियों की भावनाओं को आहत करेगा, चोट पहुंचाएगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर फिल्म का हाल बॉक्स ऑफिस पर क्या होने वाला आप जानते ही है। लेकिन अगर सेंसर बोर्ड ने इतना टाइम लिया, रिव्यू कमेटी ने इतना टाइम लिया, उसके बाद में अगर फिल्म को पास किया तो डेफिनेटली कुछ अच्छा आपको देखने को मिल सकता है कि सारी विवादास्पद सीन शायद हटा दिए गए। लेकिन मुझे अभी भी शंका है कि कुछ जरूर ऐसा मिलेगा जिससे लोगों की भावनाओं को चोट पहुंच सकती है और लोग इस फिल्म का विरोध कर सकते हैं। जहां तक बात करें कि फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होगी, अभी तक यही कन्फर्मेशन लग रहा है, क्योंकि मेकर्स के द्वारा एक और सॉन्ग जारी किया जा रहा है, हर हर महादेव, जो कि आज सुबह, मैंने कल रात को वीडियो बनाया था, आज सुबह ये मतलब कि जारी हो जाएगा। अरे महादेव काफी जबरदस्त सॉन्ग लग रहा है, अनिल अक्षय कुमार का एक जबरदस्त लुक भगवान शंकर के रूप में यहाँ दिखाया गया है, तो ये सॉन्ग भी ऊंची ऊंची वादी की तरह ही जबरदस्त हो सकता है। बहुत ही अच्छा गाना ये भी होने वाला है, इसमें कोई शक वाली बात मुझे नजर नहीं आ रही। गाने अच्छे है, अभी ट्रेलर को सेंसर ने पास नहीं किया लगता है, इसीलिए ट्रेलर रिलीज नहीं किया है, लेकिन एक दो दिनों में ही ट्रेलर जारी हो जाएगा, जल्दी ही ट्रेलर की रिलीज डेट भी अनाउंस हो जाएगी। तो अब गदर 2 का OMG 2 से क्लेश होना लगभग तय है और अब पता चलेगा कि कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना बड़ा कमाल करती है। मुझे लगता है कि गदर 2 काफी ज्यादा आगे रहेगी, और अगर OMG 2 में दम हुआ, स्क्रिप्ट में दम हुआ और सनातन प्रेमियों के अनुरूप फिल्म बनाई गई, उनकी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाई गई, तो फिर ये फिल्म भी कमाल कर सकती है। दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।